लेक्चर नंबर 14, कॉपी वर्क उर्दू बी, 5 क्लास। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम मुहावरात करेंगे। 5 क्लास, आप अपनी कॉपीज के सामने के दो पेजेस लें और उन्हें बिल्कुल इसी तरह से प्लान करें जिस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एक पेज पर आप सिर्फ मुहावरात और मायने लिखेंगे और उसके साथ दूसरे पेज पर जुमले लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, दिए गए मुहावरात के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। चलें बच्चों शुरू करते हैं। मुहावरात, मायने। सबसे पहले, जान के लाले पड़ना, जान के लाले पड़ना। बच्चों इसका मायने है मौत का खतरा होना, जान के लाले पड़ना, इसका मायने है मौत का खतरा होना। अब हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे, चारों तरफ पुलिस का घेरा देखकर डाकुओं को जान के लाले पड़ गए। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ, चारों तरफ पुलिस का घेरा देखकर डाकुओं को जान के लाले पड़ गए। जान पर खेलना, जान पर खेलना। बच्चों इसका मायने है अपने आप को खतरे में डालना, जान पर खेलना। बच्चों इसका मायने है अपने आप को खतरे में डालना। बेटा अब हम इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ी हम जान पर खेलकर वतन की हिफाजत करेंगे, जब भी ज़रूरत पड़ी हम जान पर खेलकर वतन की हिफाजत करेंगे। नेक्स्ट है, दाल ना गलना, दाल ना गलना। बच्चों इसका मायने है मकसद पूरा ना होना, दाल ना गलना मायने है मकसद पूरा ना होना। जुमले में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तो दाल गलती नज़र नहीं आ रही, बिना वजह वक्त ज़ाया किया। यहाँ तो दाल गलती नज़र नहीं आ रही, बिला वजह वक्त ज़ाया किया। नेक्स्ट है, दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना। बच्चों इसका मायने है आजिज कर देना, दांत खट्टे करना इसका मायने है आजिज कर देना। अब हम इसको जुमले में इस्तेमाल करेंगे, हमारी बहादुर अफवाज ने, हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए,
हमारी बहादुर अफवाज ने 1965 में दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। लास्ट में 3-13 होना यानी तत्तर बत्तर होना, 3-13 होना यानी तितर बितर होना। बच्चों, इसको जुमले में इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, पुलिस वालों को आता देखकर मजमा 3-13 हो गया। पुलिस वालों को आता देखकर मजमा 3-13 हो गया। फाइव क्लास, आज हमने मुहावरात, मायने और जुमले किए हैं। आप इनको अच्छी तरह से याद करें, रफ कॉपी पर इसकी प्रैक्टिस करें और अपनी अम्मी अबाजी को चेक करवाएं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।